तो एक बच्चे का अर्थात विद्यार्थी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उसने पूछ लिया कि जनेऊ का क्या महत्व है। अब जनेऊ का महत्व कर्मकांड का विषय, इसलिए मैं बहुत विस्तार से उसको नहीं बताऊंगा। मैं आपके लिए केवल इतना ही बोलूंगा कि जिस समय वर्ण आश्रम व्यवस्था का महत्व सर्वोपरि था, उस समय वर्ण आश्रम की व्यवस्था का एक प्रतीक था, सिंबल था यह कि आप द्विज हैं, द्विज इसको धारण करें यह आवश्यक था। और दूसरी बात है, नियम निष्ठ होने के लिए हमको स्मरण कराने वाला स्मारक है। नियम निष्ठ होने के लिए करना है, किंतु किसको नहीं करना है। अब आप ये मत समझना कि जो आज जनेऊ पहने उसको भी छोड़ देना है। किसको नहीं करना है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। 11वें स्कंध में भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने अपने भक्त उद्धव को कहा है, भागवत जी के 11वें स्कंध में। उद्धव जी ने पूछा था कि महाराज संसार के कर्म कब तक करते रहे। तो अब देख लीजिए, एकदम ठीक ठीक ठाकुर जी की बोली हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता, या तो जब तक निर्वेद्य की अवस्था पूर्ण वैराग्य, प्रखर वैराग्य जब तक न जागृत हो जाए तब तक कर्म करो, एक बात। दूसरी बात कहते हैं भगवान कृष्ण करें, मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते, या मेरी कथा सुनने में अतिशय श्रद्धा जिसकी न हो जाए तब तक कर्म करें। क्या तात्पर्य हुआ, अतिशय श्रद्धा हो जाए कथा में, पृथु जी महाराज की तरह से 1,000 नहीं 10,000 कान हमको चाहिए कथा सुनने के लिए। और पार्वती मैया कहती है, कथा पीयूष मास्वाद्य तृषा में त्यु वर्धते, रामचंद्र से भगवान भूहि विस्तर से कथाम, अध्यात्म रामायण। कथा पीयूष मास्वाद्य तृषा में त्यु वर्धते, भोले बाबा से कह रहे हैं कि प्रभु राम जी की कथा सुनने में मेरी प्यास और बढ़ गई, और पिलाइए ना, बंद मत करिए। कथा पीयूष मास्वाद्य तृषा में त्यु वर्धते, रामचंद्र से भगवान ब्रूह विस्तर से कथाम, और विस्तार से सुनाइए। तो ऐसी जिसकी प्यास है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे, वाल्मीकि जी ने कहा। महाराज उसके लिए दुनिया का कोई कर्म करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन ऐसा हो तब, ऐसा नहीं कि पहले ही कर्म छोड़ दे। और पहली बात क्या कहा था, जिसको पूर्ण तीव्र वैराग्य हो जाए उसके लिए कोई कर्म करना आवश्यक नहीं। अब आप लोग सुन लो, जो सुने हैं, सब लोग तो नहीं सुने, अवधूत मोहनदास जी का चरित्र जिन लोगों ने सुना होगा, थोड़े लोगों ने सुना होगा। वो इतना विरक्त थे, इतना विरक्त थे कि उन्हें अपने शरीर का ही याद नहीं, कब मलमूत्र शरीर से निकला मालूम, खाते पीते ही नहीं थे, और जाड़ा गर्मी बरसात एक जैसे, शरीर पर सूत का एक धागा तक नहीं था, तो उनको जनेऊ कहाँ से रहेगी, वो कहाँ से यज्ञ पवित्र करेंगे, और वो संध्या बंदन कहाँ से करेंगे। सीमा होती है कब तक कर्म करना है, कब कर्म करने की आवश्यकता नहीं। मदन मोहन मालवीय जी एक महान पुरुष थे, महान भक्त थे, लेकिन फिर भी गायत्री बंदन, संध्या बंदन और जनेऊ पहनना और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना ये सब करते थे। तो एक दिन खाकी बाबा ने डांट दिया उनको, ये क्या सूर्य की उपासना करता रहता है और जनेऊ लिए रहता है, कान पर चढ़ाता है
और संध्या बंधन करता है, सब छोड़ दे, तेरे लिए नहीं है सब। खाकी बाबा जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, उन्होंने खाकी बाबा ने कह दिया मदन मोहन मालवीय को डांट कर कि आज से बंद करे सब संध्या बंधन जने वो सूर्य उपासना, ये सभी के लिए नहीं है, जो उसकी पात्रता रखता है। प्रारंभ में इसका महत्व है, मैं उधर विस्तार से नहीं जाऊंगा।